मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल ने एक मिनट में ही अपने अभिभाषण को समाप्त भी कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हुई। राज्यपाल के सदन से निकलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष में सदन की कार्यवाही को चलाते हुए संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के प्रस्ताव पर कोरोना वायरस के चलते 26 मार्च तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो गया। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल लालजी टंडन ने सदन में एक मिनट में ही अपना अभिभाषण पढ़ा और उसके बाद वह सदन से निकलकर सीधे राजभवन जा पहुंचे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सदन की कार्यवाही संचालित की। राज्यपाल के अभिभाषण और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित की जा रही कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के प्रस्ताव पर कोरोना वायरस के चलते सदन की कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सत्ता पक्ष ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से जैसे नारे भी लगाए। सार्वजनिक फंक्शन निरस्त हो गए हैं, बच्चों की क्लासेस निरस्त हो गए हैं। इस स्थिति में पहले आवश्यक कैसे कह रहे हैं, बार बार वो दावा कर रहे हैं, बार बार सदन में बोल रहे हैं, नंबर प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के विधायक वापस आए तब बात होगी। अभी तो कांग्रेस के विधायकों का बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट का सवाल ही नहीं है। वही दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 26 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करने को लेकर भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। भाजपा ने बहुमत परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट से 48 घंटों के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। साथ ही भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोरोना वायरस के चलते विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करने को असंवैधानिक ठहराया है। और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। बहरहाल अब मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई का समय निर्धारित किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या निर्णय देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, भोपाल।